वेलकम बैक टू मजाक रात। यासिर साहब, एक चीज मुझे बड़ी जो अच्छी लगी आपकी पिछली फिल्म के अंदर भी थी एंड आई होप कि इस फिल्म के अंदर भी हो, कि आप बहुत से वेरिएशन ऑफ एक्टर्स को कास्ट करते हैं। यू नो, आपकी पिछली फिल्म में सीनियर एक्टर्स भी हमें बहुत से देखने को मिले जो कि हमें बहुत अरसे से नजर नहीं आए थे, तो क्या इस बार भी यासिर भाई कोई इस किस्म की चीज है आपकी फिल्म के अंदर? इस बार सीनियर एक्टर्स तो हैं जावेद शेख साहब, महमूद असलम साहब, अशफक चीमा साहब, ये तीन सीनियर एक्टर तो हैं, लेकिन ये खैर नजर आते रहते हैं अक्सर किसी ना किसी फिल्म में। इस बार उन्होंने पश्तो बोली है शेख साहब ने और मोदी। अच्छा, तो पठान कैरेक्टर है वो। और ये सिखाई क्या नीलम ने उनको? ज्यादा नीलम ने सिखाया, जो जितना जहाँ की लाइन आती थी तो नीलम ही सिखाती थी। और कौन, हम डबिंग में फंस गए थे, नीलम क्या बोला है उन्होंने वहां डबिंग में। आप इतनी फ्लुएंट बोलती हैं। जी जी, तो कुछ बोल के हमें बताइए, कुछ बोले ना। संगे मिना वालो तासो खई अख्तर दे दे मुबारक शाह। नहीं नहीं, नाई को कटवाया आपने की थी। समी, दो फिल्में आप एट द सेम टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ज्यादा मुश्किल डायरेक्टर कौन थे, यासिर नवाज या खलील रहमान कमर साहब? आई थिंक खलील साहब साथ थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हुआ क्योंकि काफी लंबे स्पैन में शूट हुई, मगर फिल्म के दोनों के मूड भी इतने डिफरेंट आपके थे। वो एक सीरियस फिल्म है, ये एक आउट एंड आउट कॉमेडी। बिल्कुल, और ये क्रेडिट गोज़ टू नीलम मुनीर। नहीं, डायरेक्टर। अच्छा, इन्होंने जितना भी एक अवार्ड्स में भी नॉमिनेटेड था, अभी हूं बल्कि खुदगर्ज के लिए, उसमें नेगेटिव रोल इन्होंने करवाया। प्रोड्यूसर्स कुछ और करवाना चाहते थे, इन्होंने एज अ डायरेक्टर कहा कि नहीं, ये डिफरेंट काम करना है। तो इसी तरह कॉमेडी हमारे टीवी में कहां होती है, टीवी में कॉमेडी बहुत लिमिटेड होती है, सीरियस ड्रामास होते हैं, तो उसके अंदर इन्होंने कहा कि नहीं, अब तुमसे कॉमेडी भी करवानी है। तो क्रेडिट गोज टू हिम, इन्होंने पुश किया और करवाई है इस दफा। नीलम मुनीर के साथ आपका पहला एक्सपीरियंस था? नहीं, इससे पहले मैंने टीवी पे किया, मगर फिल्म में पहला एक्सपीरियंस था। पहला, बिल्कुल। तो कैसा रहा वो? शी इज वेरी गुड। मैं ऑनेस्टली इनके सामने तारीफ कर रहा हूँ कि नहीं, आप उधर मुंह करे कर ले। नहीं, मैं नहीं, बल्कि ऑडियंस को बताना चाहिए कि इनमें कोई टेंट्रम्स नहीं है। शी इज वेरी पंक्चुअल, वेरी हम्बल, और इनके लिए दिल से दुआएं निकल। मेरी अम्मी को भी ऐसी लड़की चाहिए। क्या बता रहे थे कि आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं? ये वैसे फॉलो करते हैं, आप सोशल मीडिया की बात करते हैं। तो मैं तो आपको पता ही है, आपको पता था कि आपको ये फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे? इस सबको फॉलो करते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं तो आप सबको फॉलो करते हैं, जो बड़े क्लिप्स मिलते हैं आपको। पिछली बार जब मैं आई थी, सॉरी बोल दें, सॉरी बोल दें, पिछली दफा जब मैं आई थी तो मैं कुछ सोच रही थी, सोचने लगी थी, लेकिन क्लिप्स देख पूरे साल मैंने देखा। आगे से नहीं करता, आगे से अब घर से भी नहीं निकला करूंगा भाई। अब एक बार तो हाँ तो कर दें, देखेंगे। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। तो की करे, तुम दो घंटे अख ला लो फिर। वो शरीफ आदमी कुछ बोल भी नहीं रहे, आप क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने जो कास्ट ही नहीं किया था, मेरे लोग तो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिल्म में आपको कास्ट करेंगे और नीलम के साथ। खुदा की कसम, ए कोड या शाहरुख खान अच्छा लगा या तुम्हें लगा? मगर वैसे आप लोगों ने फैसला कर, नीलम आप करना चाहेंगी ऑपोजिट काम? बिल्कुल, जिस फिल्म में होंगे कैरेक्टर देखेंगे। नहीं, कैरेक्टर नहीं देखेंगे, अब आप सोचे मुंह के होते हुए आप कैसे कोई रोमांटिक एक्सप्रेशन लाएंगे? ये आपकी एक्टिंग का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। एक अद्धा सीन करा के देख लो। हाँ, क्या चलो आप दिखाओ डायरेक्टर को करके, आओ उठो। सिचुएशन ये है कि लड़की ने अपने माँ बाप से बात की आपके बारे में, वो राजी नहीं हो रहे। इससे बड़ी कोई वजह हो सकती है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर जैन, अब्बू ब्याह वास्ते नहीं मान। अम्मी नू पूछ लो। फिल्म के अंदर नहीं है यार, एक मिनट यार, उसका करियर बने दो यार। बशीरा, मैं तेरे ना मोहब्बत करना। बशीरा, बशीरा, और पंजाबी च मैं किवें नीलम कह रहा, दसो मैनू। नीलो, 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 तेनू तेरी भैन प्रवीण की कसम। तेनू खुदा का वास्ता नीलो, मैं तेरे ना बहुत ज्यादा मोहब्बत करना। मैनू ते रातों नू नींद भी नहीं आती, इंज लगता कि मैं तेरे तो बगैर मर जांगा। अपने प्यो नू मना ला, खुदा का वास्ता ही। और यूपीएस, तू तो चुप हो जा। तेन खुदा का वास्ता ही, हां कर दे चाचू, तुसी कहो। मैं तेरे नाल ब्याह नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने अबू की गल मरनी। नीलम, मुज़ाकरात, नीलम ये बताएं, लास्ट फिल्म के अंदर एहसन खान आपके साथ थे। हाँ जी। और इस फिल्म में समी खान। बिल्कुल। कौन सा खान ज्यादा बेहतर? खान और अच्छा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुद ने बताइए, खान है।
हाँ ना, तो मैं भी तो खान हूँ। नहीं मगर मैंने मर्दाना खान पूछा। यासर खान, टोटल एक यानी के एक आदमी सिंध से सीधा पेशावर निकल गया। हाँ जी भाभी नेता, हाँ जी भाजी। अच्छा नीलम, मैं बात मैं ये कर रहा था, बैंड सुन रही है आप? नीलम मैं नहीं नहीं तानू बैंड नहीं कह रही थी मगर बताइए नीलम, ज्यादा मजा किसके साथ एक्टिंग करने में है? दोनों के साथ बहुत मजा। दोनों के साथ ज्यादा शरारती कौन है दोनों में से? एहसन। एहसन ज्यादा शरारती है, ठीक है, ये डिसेंट है। हाँ जी बिल्कुल। एहसन खान डिसेंट नहीं है। एहसन भी डिसेंट है लेकिन एहसन शरारती बहुत है। एहसन शरारती है ना, क्या करता है कि बाल खींच के भाग जाता है, मजाक करता रहता है, काम पे उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। काम पे बहुत ध्यान है लेकिन साथ मजाक भी करता है। साथ मजाक मेरे साथ नहीं, टीम के साथ। अच्छा आपके साथ मजाक नहीं करता? नहीं मेरे साथ नहीं। अच्छी बात है, कहा था उसको? नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अच्छी बात। आपको मजाक नहीं पसंद? मजाक रात पसंद है बस। हाँ मजाक रात मुझे मजाक नहीं पसंद। Ready one? Ready one? 1, 2, 3, 4. तेरे दी लाली देख रहे हो? Yes. कितनों आ रहे हैं? कितनों? My best friend. Which one? मियां सफरी दरदारी साहब। Oh. Yeah. ईद मिल गए? Oh, 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 oh. आज मैं इंटर होया। आहा। ओ ते दुनिया ही दुनिया। आहा। ते बंदा बोली नहीं। सारे कारकुन बैठे, हर पासे कारकुन ही कारकुन घिरे हुए बैठे सन। आए मैं इंटर होया, विचों उठ के आए ने, आके जब भी पाई ने मैंने कहते मेरी भी ईद हो गई। मैं क्या सर तुम पता क्यों आया? क्यों कहते ने? क्यों मैं क्या ईदी कहते तेरे को लेंदे चंगे लगने? और मैं क्या सर मैं ईदी तुहाडे कोलो लैण आया। अच्छा कहता हर वारी देने कभी इनकार किया? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो फिर दी सरदारी साहब ने ईदी? यस सही करके कटे ने डॉलर। डॉलर? यस लॉट ऑफ डॉलर। मैंने कहते ने अपना निर्गोली। हाँ। अगर आसफली सरदारी तुम्हें $1,000 दे। हाँ। तो तुम्हें कितने आए? मैं कह सर हजार। कहते ने नो नेवर नथिंग। मैं कह सर एक ही सवाल कर रहे हो? कहते ने एल फल $1,000 गिण। मैं टक 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 करके गिने थे 900। वो मैं कह सर ये 900 ने। कहते आ सफरी जरदारी 10% काट के देगा। आ सफरी जरदारी की जानी सप्पे भारी। ओए होए ओ माशाल्लाह। ये कौन ने? गौर से देखो कौन ने। ए कुड़ी लड़के आई है सौरे नाल ते चोरी साहब को फैसला आया। बच्चों ये हमारे मुल्क के चमकते सितारे हैं। आ देखो ना यासर मुनीर साहब। मुनीर साहब नहीं है वो। अपना नीलम नवाज साहब। नीलम नवाज नहीं है वो। और यासर नवाज साहब। मैं रुनसा वी लव यू। 9 बारी मैं फिल्म देखी ता जाके समझ आई। मोहतरमा नीलम मुनीर साहब। इधर हसन भाई। ओ राकेश भैया। ऑस्ट्रेलिया में मिले ना? ऑस्ट्रेलिया राकेश भाई नुकर ऑस्ट्रेलिया। इनको मजाक में मैं कहता हूँ अयाश चोपड़ा। कहना यह है वन सेल्फिश विद यू। सेल्फिश नहीं सेल्फी। सेल्फी विद यू किसके साथ पूछो? अपना मैडम बनाएंगे ना साढ़े दो महीने नाल। मैडम बनाएंगी? मैडम तो अच्छी सेल्फी कौन बनाऊंगा। अच्छा हाँ जी बनाओ सर। माशाल्लाह ठहरो इधर मैं पीछे आके जरा टाइटैनिक जैसा बन जाऊं। यासर भाई ना बेचा हूं। यासर भाई ना हूं आ रहे हैं। आज 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 बस मेरी तो थोड़ी होनी चाहिए। यासर भाई कितने गए? Have a nice day. You too. अच्छा मेरे लोग कोई थोड़ी लड़के आई है सौरे नाल ते चोरी साहब को फैसला आया। बच्चों ये हमारे मुल्क के चमकते सितारे हैं। आ देखो ना यासर मुनीर साहब। मुनीर साहब नहीं है वो। अपना नीलम नवाज साहब। नीलम नवाज नहीं है वो। यासर नवाज साहब।
ਮੈਂ ਰਨਸਾ ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਨੌ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੀਲਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹਸਨ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਭਈਆ ਮੈਡਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਬਣਾਏਗੀ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸੈਲਫੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਸਰ ਠਹਿਰੋ ਇਧਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਯੂ ਟੂ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ